महाराज जी, मैं जब मैंने पहली बार बजरंग बाण आपका लोफाई में सुना था, तो पहली बार मुझे ऐसा कनेक्ट हुआ जैसा कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे दिल पे जाके वो बात रख दी है। तो हनुमान जी जो बजरंग बाण है, अगर मैं आपसे पूछूं उसमें से अगर कोई दो लाइनें आपकी फेवरेट हो और वो आप लोगों को कुछ सुनाना चाहें तो वो कौन सी होंगी? मेरा तो दुनिया में कुछ फेवरेट नहीं है और सब कुछ फेवरेट है। सच कह रहा हूँ, मुझसे कोई कहता आपका फेवरेट भजन, मैं कहता हूँ पता ही नहीं यार, जो गा दे वो फेवरेट। आपका कोई आइडियल, सब आइडियल है। आपका कोई फेमस ग्रंथ या को फेमस चौपाई, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है, राम 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 श्री राम 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 राम, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने खलदल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होई आनंद हमारो, ये बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, ये बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, जय हनुमान 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 जय जय हनुमान। तो ये बहुत चला, आप इंस्टाग्राम खोल दो एक बार बस, कहीं भी किसी के भी अकाउंट से खोल दो, दो तीन पलटे मारोगे तो एकदम आ जाएगा, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। तो हनुमान जी की कृपा है, लोग जहां अपनी कृपा से वो करना चाहते हैं सब वही कर रहे हैं। महाराज जी, मुझे अब जैसे जब आप गा रहे हैं, मुझे ऐसा जरूर विश्वास है कि जो सुन रहे होंगे उनके अभी भी वो गूजबम्स आ रहे होंगे, क्योंकि मैं तो चलो आपको महसूस कर रहा हूं, जो सुन रहे होंगे वो बेशक हनुमान जी की एक स्मृति आपकी आवाज में शायद लोगों को वो जो अकेलापन है उससे लड़ने में शायद आपकी आवाज बहुत लोगों के दिल में छू रही है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे एक बात, मेरे मन में एक सवाल ये था कि अगर कोई हनुमान जी को नहीं जानता, वो नहीं, शायद वो मान लो विदेश से है, या वो उसको ना कभी किसी ने बताया ना उसने सुना, आपकी उससे पहली मुलाकात हो और आपको आपसे उसने प्रश्न किया कि हनुमान जी कौन है, तो आपका क्या जवाब? मैं उसको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भाई तुम हनुमान जी को नहीं जानते, उनके बारे में पूछ रहे हो, ये जहां हम बैठे हैं पंखा चल रहा होगा वहां या एसी चल रहा होगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये एसी में से जो हवा निकल रही है इसको महसूस कर रहे हो, हवा को महसूस कर रहे हो, तो कौन कहेगा कि हवा को महसूस नहीं कर सकते? तो बस यही है, जहां जहां हवा की महसूसी हो रही हो समझ लेना वही हनुमान है। वात जातम नमामि, कौन है? वात जातम, हवा का पुत्र, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा ना, पवन तनय संकट हरन, पवन तनय है, पवन पुत्र है, मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मदाम वरिष्ठम वातात्मजम, आत्मजम किसके किसके आत्मज है? हवा के पुत्र है और हवा का बेटा हवा। मैं आपको सत्य बताऊं, मुझे भी कोई कहता है कि आप हनुमान जी को किस तरीके से देखना चाहते हैं, मैं कहता हूं भाई जैसे मैं हर समय हवा को महसूस करता हूं और देख नहीं पाता, ऐसे ही श्री हनुमान जी को हर समय हर व्यक्ति महसूस कर सकता है, देखना तो उनकी कृपा से ही होता है।